किशोरदा का, किशोर कुमार जी का। बायोपिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, कौन से किरदार को आप ऑन स्क्रीन जीना चाहते हैं और क्यों? ऑनेस्टली मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में अभी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा राहुल, लेकिन जब हम फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे तब मैं उसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। बिकॉज अगेन ये किरदार हो, ये कहानी हो, या ये शूटिंग एक्सपीरियंस हो, मेरे लिए तीनों ही बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो मैं जरूर उसके बारे में और भी बोलूंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। हाँ, एक कैरेक्टर है जो मैं स्क्रीन पे परफॉर्म करना चाहूंगा एज एन एक्टर, और वो इनफैक्ट एक टाइम था जब हम लोग उसके बारे में सोच भी रहे थे और करने भी वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, और वो है किशोरदा का, किशोर कुमार जी का। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज, वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड इन आर इंडस्ट्री। मतलब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सनैलिटी, एंड एट द सेम टाइम बोलते हैं ना कि कुछ अलग ही सोचते थे, अलग ही तरीका था उनके सोचने का। तो वो एज एन एक्टर उनको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने में मुझे लगता है कि बड़ा मजा आएगा।